मेधावी छात्राओं को शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने बालिकाओं को ई शिक्षण टैबलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर करीब 41 छात्राओं को टैब वितरित किया गया। स्कूल में टैबलेट आधारित शिक्षण को आदर्श शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने के मकसद से शिक्षकों और छात्रों को ई शिक्षण टैबलेट वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग जिले के शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को प्रवीणी सूची में आने वाले मेधावी छात्राओं को ई शिक्षण टैबलेट का वितरण किया गया। टैबलेट वितरण के इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे मुख्य रूप से मौजूद थी। उन्होंने 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं में 80% से अधिक अंक पाने वाली 40 से अधिक छात्राओं को ई शिक्षण टैबलेट का वितरण किया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए सुश्री डॉक्टर सरोज पांडे ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत केंद्र सरकार बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। वहीं मीडिया से चर्चा में सरोज पांडे ने कहा कि टैबलेट का इस्तेमाल करके ये बालिकाएं और बेहतर तरीके से शिक्षित हो पाएंगी। देश के प्रधानमंत्री जी बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को विशेष तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हमने CSR फंड से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बच्चियों को शिक्षा टैब दिया गया है, जिससे जो बच्चियां 80% से ज़्यादा है जिनका, उन सब बच्चियों को आज यहां पर दिया गया है। आने वाले समय में उन्हें और भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के माध्यम से और चीज़ें मिले, इस बात की भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी को हम सब धन्यवाद देते हैं। हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके सौजन्य से आज ये वितरण हुआ है और पल फाउंडेशन जो कि इसमें शामिल है उनका आज यहाँ पर माध्यम रहा है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ेंगी और उसमें ये शिक्षा टैब उनके लिए एक नई सौगात होगी। इस अवसर पर टैबलेट का वितरण सांसद निधि तथा ONGC और CSR मद से किया गया। वहीं टैबलेट पाने वाली बालिकाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे उनको शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल सहित शिक्षा विभाग के अनेक आला अधिकारी तथा शिक्षकगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके मैं प्रधानमंत्री और हमारी संसद महोदया जो जी हैं उनका मैं बहुत ही शुक्रिया महसूस करती हूँ, क्योंकि इससे हमें हमारी पढ़ाई में बहुत ही सुविधा मिलेगी, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और मैं चाहूँगी कि मैं और अच्छे से मेहनत करके और अच्छा प्रतिशत लाऊं। मैं क्लास 11 से की हूँ। ये जो टैबलेट सांसद महोदय ने हमें दिया है, हमें आगे चल कर बहुत मदद मिलेगी, इसे हम उत्तीर्ण नंबर जरूर लाएंगे। पहले जो सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, अब वो प्राप्त है, तो हम अच्छे से यूज करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको जो समझ नहीं आएगा हम वो सर्च कर सकते हैं, ChatGPT है, तो इन सब के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।